नमस्कार दोस्तों, मैं अनियार देवनाथ आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हम लोग का रेफरेंस इमेज है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों को इस स्काई को करने के लिए हमें पूरा जो पेपर है पानी से भिगोना पड़ेगा। पानी एकदम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं जो एक्सेस जो वाटर है मैं उसे हटा ले रहा हूँ ताकि स्मूथ एक लेयर रहे पानी का। सबसे पहले गैम्बोक ह्यू जो कलर ये येलो कलर है उसे हम लोग पतला करके मिला लेते हैं पानी से। उसके बाद जहाँ पर हम लोगों को सन बनाना है उसके चारों तरफ हम लोग एक राउंड करके उसे धीरे धीरे ब्लेंडिंग करते हैं, क्योंकि उसमें जो पेपर है उसमें पानी है तो अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग अंदर और बाहर दोनों तरफ इसे हम लोग करेंगे, और उसके साथ थोड़ा स्केट लेक मिला के एक ऑरेंज कलर बनाएंगे जो पतला लेयर करके उसे हम लोग फिर कर रहे हैं। ऑरेंज कलर को करने के बाद हम लोग क्रिम्सन लेक को पतला लेयर्स में ही उसके ऊपर हम लोग उसे थोड़ा डार्क बने, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग इसमें थोड़ा और कलर ऐड करने वाले हैं। उसके साथ कोबाल्ट ब्लू को मिला के उसके ऊपर हम लोग फिर से कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा उसे और थोड़ा डार्क कर रहे हैं। काई पूरा सूखने के बाद जो हम लोग का मिश्रण ऑरेंज का मिश्रण है गैम्बोक ह्यू और स्काइट लेक का, उसे पतले लेयर में जो स्काई है उससे थोड़ा ज़्यादा डार्क कलर से हम लोग जो दूर का जो पेड़ है उसका हम लोग सिर्फ उसका शेप ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसे कैप्चर कर रहे हैं। उसी के साथ उसी कलर को हम लोग नीचे की तरफ उतार रहे हैं जहाँ पर ये एक सूर्य की रोशनी है जिसे हम लोग कर रहे हैं कि जो रास्ता है उसके ऊपर, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर हम लोग का ऑरेंज है वो उसे हम लोग कैप्चर करने के बाद हम लोग शेप ग्रीन और यहाँ पर जो अंधेरा है वो दीवार के पास जो अंधेरा है उसे हम लोग अभी कर रहे हैं, जो जिसे मैंने शेप ग्रीन के साथ और ब्लैक के साथ मैंने किया। उसके बाद थोड़ा ऑरेंज उसके ऊपर जो दीवार है उसे हम लोग कर रहे हैं धीरे 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 उसके ऊपर हम लोग कर रहे हैं अभी। जैसे जैसे हम लोग सूर्य से दूरियां बढ़ाएंगे उतना ही कलर हम लोगों का डार्क होता जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, कलर्स को कर रहे हैं, उतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, थोड़ा बहुत उसमें डिटेलिंग ऐड कर रहे हैं थोड़ा बहुत। जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में तो थोड़ा अंधेरा है, लेकिन मैंने जब वो खींचा था तो मुझे तो पता है कि वहाँ पर कैसा था, तो उसको हम उसी चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसे कुछ मेमोरी से, कुछ रेफरेंस इमेज तो है ही, कुछ हम लोग मेमोरी से भी कुछ कलर्स हम लोग ऐड कर रहे हैं उसमें। इसी तरीके से अभी हम लोग रोड है उसे हम लोग करने के लिए ब्लैक और ब्लू का इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा बहुत, वो जो मिश्रण बना के उसके ऊपर कर रहे हैं और इसे थोड़ा और ज़्यादा डार्क करेंगे अभी ब्लैक के साथ और उसे मिक्स करेंगे, जैसे कि हम लोग का जो उसमें लगे कि यहाँ पर रोशनी गिरा है। रोड कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो ट्री है दूर का जो ट्री है उससे सामने जो ट्री है, जैसे जैसे कि सूर्य से जैसे जैसे पीछे से सामने की तरफ आएंगे उतना ही ज़्यादा डार्क हम लोग का बनेगा। तो इसी तरीके से हम लोग जो अभी जो पेड़ बना रहे हैं इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करना है, सिर्फ उसका शेप ऑब्जर्व करके उसको एक कलर्स में डालना है, क्योंकि कोहरे की वजह से उतना डिटेलिंग हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, जैसे कि आप रेफरेंस इमेज में देख चुके हैं। उस तरीके से हम लोग इसी को कर रहे हैं। ये जो पोर्शन मैं अभी कर रहा हूँ ये थोड़ा दूर है तो थोड़ा ज़्यादा डार्क रहेगा, इसलिए हम लोग थोड़ा ब्लैक उसमें ऐड करके उसे डार्क कर रहे हैं। और इस पेड़ में जो टहनी वगैरह है उसको थोड़ा डिटेलिंग हम लोग कर रहे हैं कि उसका जो शेप है उसी शेप को, यहाँ पर एक वाल है जिसे हम लोग अभी कर रहे हैं हल्के हल्के कलर से, यहाँ पर कुछ बांस है वहाँ पर हम लोग उसे डिटेलिंग कर रहे हैं, वहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं उसे हम थोड़ा सा हल्के टचअप से ही वो हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो एक घर है शेड है एक छो उसे हम लोग कर रहे हैं, और यहाँ पर ये बांस टहनी है उसे हम लोग दे रहे हैं और थोड़ा 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 छोटे 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 करके डिटेलिंग हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर दो इंसान हैं जो कुछ मिल गया लेकिन हल्का हल्का दिखाई दे रहा है उसे हम लोग उसी तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर रोड के साइड में जो कलर्स हैं उसे हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। हम लोग जितना सामने आते जाएंगे उतना ही हम लोगों का डार्क बनता जाएगा। यहाँ जैसे कि यहाँ पर एक झाड़ी बनेगा ये उससे भी ज़्यादा डार्क होगा। यहाँ पर झाड़ी का वो पोर्शन है जो रेफरेंस इमेज में था उसे मैं जैसा पिक्चर में उसे जस्ट कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ वैसा ही, और इसको थोड़ा ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ। और डार्क करने के लिए हम लोग वही गैम्बोक ह्यू रेड
स्कैटलिक और ब्लैक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो झाड़ियाँ हैं उस झाड़ियों को करने के बाद उसमें थोड़ा सा जो अंधेरापन है ना, उस अंधेरे में थोड़ा थोड़ा कलर हम लोगों को दिखने लगता है, क्योंकि उसमें रोशनी सूर्य की रोशनी उतना नहीं पड़ता है, तो उसमें सिर्फ हम लोगों को वो कलर्स लाना है। इसीलिए मैंने थोड़ा इसमें ग्रीन का इस्तेमाल किया, शेफ ग्रीन का। उसके साथ उसमें इसी शेफ ग्रीन के ये दूसरा साइड है इस पेड़ का, जो कि ऑपोजिट है, इसमें सूर्य की रोशनी उतना नहीं है इसमें, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रीन से किया। और दूर के जो पेड़ हैं वो उस पर मैंने थोड़ा और, मुझे लगता था कि लग रहा था कि थोड़ा और डार्क होगा तो अच्छा रहेगा। इसके उसके नीचे हम लोग जो पोर्शन है उस पिक्चर के साथ मिलाते हुए कर रहे हैं। यहाँ पर जो अंधेरा है, ये जो यहाँ पर जो झाड़ियाँ है उसके पीछे का ये नज़ारा है जो कि बहुत ज़्यादा डार्क है, इसलिए हम लोग ब्राउन के साथ शेफ ग्रीन को मिक्स करके उसी जो हम लोग का मिक्सचर था, ऑरेंज का जो मिक्सचर था, उसी मिक्सचर में हम लोग सिर्फ शेफ ग्रीन और ब्लैक का इस्तेमाल करके हम लोग इसे कर रहे हैं। जैसे ये झाड़ियाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर एकदम डार्क बन रहा है ये, और यहाँ पर जो ये पेड़ है ये पेड़ भी एकदम ज़्यादा ब्लैक होगा, क्योंकि स्काई है पीछे, स्काई है वो लाइट कलर है, पीछे स्काई है वो लाइट कलर है, तो इसलिए वो डार्क बनेगा। जैसे कि ये करंट का जो पिलर है उसे हम लोग ब्लैक किए, अभी हम लोग का ये जो पेड़ है इसे हम लोग कर रहे हैं, इसे एकदम पूरा ब्लैक से हम लोग कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसमें कलर दिखेगा ही नहीं उतना ज़्यादा। और जो दूसरा पेड़ है हम लोग का, उसको हम लोग करेंगे, उसको अलग तरीके से करेंगे। इसी तरीके से जैसे जो शेप है पेड़ का, उसका पेड़ के शेप को सिर्फ ब्लैक कलर से करना है, कोई लाइट डीप का ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है इसमें, हम लोग उसे कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। उस पर जो जैसे पत्ते हैं उसी तरीके से हम लोग ब्रश को चला रहे हैं तो उससे हो जाता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो पेड़ है यहाँ पर सूर्य के सामने, ये पेड़ जो बहुत खूबसूरत है, इसमें पत्ते एक भी नहीं है, ये पत्ते झड़ चुका था, क्या पेड़ था मुझे नहीं पता। उसके लिए हम लोग सबसे पहले जो कलर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर सूर्य के बगल में जो है वो लाइट कलर यूज़ कर रहे हैं। जो ऑरेंज का मिक्सचर है हम लोग का, वो स्कैटलिक और गैम्बो घी से ही कर रहे हैं। सूर्य से जो दूर के हिस्से हैं उसे हम लोग थोड़ा डार्क करेंगे। जो इसमें ऑरेंज से डार्क क्या होगा कि जो मिडिल टोन है वो मिडिल टोन हम लोगों का स्कैटलिक का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। जहाँ पर हम लोग का सूर्य है वहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, वो हम लोगों का एकदम लाइट कलर्स के टहनियाँ बनेगी, और जहाँ दूर के हैं वो हम लोगों का ब्लैक, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसी तरीके से दूर का जो भी टहनियाँ हैं उसे हम लोग ब्लैक कर रहे हैं, मिड टोन हम लोग रेड की मात्रा ज़्यादा रख रहे हैं, और जहाँ पर सूर्य की रोशनी गिर रही है वहाँ पर हम लोग ऑरेंज रख रहे हैं, ताकि वो अच्छा लगे देखने में, जो कि रेफरेंस इमेज में भी वैसा ही था। अभी हम लोग जो घास है उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिटेलिंग ऐड कर रहे हैं, कि जो जो शेडोज़ वगैरह हैं उसे सिर्फ ऑब्जर्व करके उसे फिल कर रहे हैं, ताकि वो और भी खूबसूरत लगे देखने में। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लाइट लग रहा था मुझे। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर पसंद आए तो लाइक का बटन आप दबा सकते हैं, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, या फिर कुछ भी बताना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके का और भी वीडियोज़ लाता रहता हूँ, और इस चैनल पर भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसे आप देख सकते हैं।